अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अपडेटेड रिक्वायरमेंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। अपडेटेड रिक्वायरमेंट की बात करें तो यूएई का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया है, लीडिंग ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कोई भी सर्विस चार्जेस आपको पे नहीं करना होगा। पोजीशंस की बात कर लेंगे, बहुत सारी पोजीशंस हैं यहाँ पे, देखिए 100 200 बंदों की यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो बताते हैं आपको, यहाँ पे जनरल फीटर, मैकेनिकल फीटर, पाइप फीटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, स्टैटिक एंड फिटिंग के लिए रिक्वायर्ड, पाइप फैब्रिकेटर, रिगर, स्कैप होल्डर, होल एंड फायर वाचर, टीगन, आर्क वेल्डर, सीएस एंड एसएस के लिए रिक्वायर्ड है, स्कैप होल्डर, कंट्रोल वाल्व टेक्नीशियंस, फीटर का रिक्वायरमेंट भी पब्लिश किया गया। इसके अलावा मशीनिस्ट का भी रिक्वायरमेंट, मशीनिस्ट या भी टर्नर एक ही है, लेद वाले एक ही है, ठीक। स्टोर कीपर, एडमिन असिस्टेंट, टाइम कीपर, टी बॉय, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फीटर, इलेक्ट्रिकल फीटर, केबल जॉइंटर, सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। इसके अलावा यहाँ पर सिविल हेल्पर, हेवी ड्राइवर, वैलिड यूएई लाइसेंस होना चाहिए, लाइट ड्राइवर का भी वैलिड यूएई लाइसेंस होना चाहिए, यहाँ पर ट्रेलर एंड टैंकर ड्राइवर वैलिड यूएई लाइसेंस होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर, एचडी मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियंस का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। ये जो भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, सिंपली यहाँ पे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस फील्ड का। अगर एक्सपीरियंस है तो अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगा, फ्री फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड प्रोग्रेस चल रहा है, यहाँ पे कहीं पर अप्लाई कर सकता है, मुंबई, कोची, बड़ौदा, चेन्नई, अगर पेपर चाहिए तो पेपर अवेलेबल टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। सिगल की बात करें तो अच्छी और जेन्युइन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते, अप्लाई कर सकते, उम्मीद आपके लिए बेहतर साबित होकर, जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करें, सेम सिगल का ही रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि ये सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट, ये भी फ्री रिक्वायरमेंट, कोई चार्जेस पे नहीं करना। इसका जो इंटरव्यू होने वाला है ये 19 को होने वाला है, और ये का नारायणी या पे ये गंजाम, देखिए नारायणी, ये गंजाम उड़ीसा, जलगलेश्वर एंड लंगलेश्वर, गंजाम उड़ीसा का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। तो उड़ीसा के अंदर बहुत सारे बंदों का यहाँ पर रिक्वायरमेंट, कौन कौन से बंदों का रिक्वायरमेंट, उड़ीसा स्पेशली स्कैप होल्डर के लिए जाना जाता है, स्कैप होल्डिंग सुपरवाइजर, फोरमैन, एचएससी ऑफिसर, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो एसी टेक्नीशियन, फोरक्लिप ऑपरेटर के लिए भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। फोरक्लिप ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट, चेकआउट करें जो भी उड़ीसा के बंदे हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, वो गंजाम में ये इंटरव्यू चल रहा है, तो गंजाम वाले ध्यान दें इस पर। अगर आप भी उड़ीसा से तो मैसेज जरूर करें आप कहाँ से देख रहे हैं। अट्रैक्टिव सैलरी है, फ्री फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करने, यहाँ एजेंट वीजेंट, देखिए कंपनी भी मना कर रही है कि एजेंट के चक्कर में ना पड़े, वी नो हैव एनी सब एजेंट, यहाँ पे सब अक्षरों में लिखा गया, फिर भी हम क्या करते हैं एजेंट के चक्कर में जाते हैं। यहाँ पे लिखा है वी हैव नो सब एजेंट, हमारे पास कोई हमारे नीचे काम करने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट ऑफिस के थ्रू आगे अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बताते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दीवान की तरफ से पब्लिश किया गया, दीवान कंसल्टेंट्स एम्प्लॉयरिंग ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड अर्जेंट फॉर द लीडिंग ऑयल एंड गैस लीडिंग कंपनी इन यूएई। और यहाँ पे पोजीशंस की बात करें, हेवी बस ड्राइवर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया, जो कि 2500 सैलरी दिया गया। इसके अलावा एमबीपी मल्टी टेक्नीशियन 2000 से 2500 सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड 1900 से 2000 सैलरी, हाउस कीपर 900, लैंडस्केप एंड गार्डनर का भी रिक्वायरमेंट है, बाइक राइडर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस चल रहा है, यूएई का लाइसेंस चाहिए बाइक राइडर के लिए, या फिर इंडियन लाइसेंस तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए कैंडिडेट के पास, यहाँ पर डिटेल दिया गया, जरूर रीड कर, डिस्क्रिप्शन रीड कर अप्लाई से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, कंसल्टेंसी जेन्युइन और भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट केएसए का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, आरामको प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, और क्लाइंट इंटरव्यू 15-16 अक्टूबर तक मुंबई में चलने वाला है। फोरक्लिप ऑपरेटर, बुलडोजर ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट, ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट इधर भरा पड़ा हुआ है, डीजल मैकेनिक का भी रिक्वायरमेंट है, पेट्रोल मैकेनिक का बहुत कम रिक्वायरमेंट आ रहा है, सऊदी जॉब, यहाँ पे मेल आईडी अवेलेबल है, चेकआउट करें, अप्लाई करें, अप्लाई करने के लिए कंपनी डिटेल्स अवेलेबल है। ट्रांसएशिया की बात करें, जेन्युइन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते, अप्लाई कर सकते, उम्मीद है आपके लिए बेहतर साबित हो गया, जरूर अप्लाई करें। डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक तो डायनेमिक ही है, डायनेमिक की बात करते हैं, डायनेमिक स्टाफिंग सर्विस रिक्वायरमेंट फॉर द यूरोप कंट्री का रिक्वायरमेंट, यूरोप कंट्री में कहाँ का रिक्वायरमेंट ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, मगर एक चीज़ बताया गया कि असिस्टेंट कुक और वेटर हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट का मस्ट यूएई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अब कहीं भी जा रहे हैं तो यूएई का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत डिमांडेबल है। इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए, स्किल मस्ट फॉर डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्टिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड टू वर्क वीडियो। ओहो, तो यहाँ पे देखें, फॉर डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और 2 वर्क वीडियो बना के देना पड़ेगा, वर्क वीडियो इन मस्ट, काम करते हुए आप कौन सा काम कर रहे हैं इसका वीडियो बना कर देना होगा, और व्हाट्सएप पे अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, और मेल आईडी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन से जेन्युइन भरोसेमंद, अप्लाई जरूर करें।
लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास भी कम है, वीडियो पब्लिश करना है, टाइम बहुत ही कम है। सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट चेकआउट करें, कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है, बहुत सारी टेक्नीशियंस हैं यहाँ पे अवेलेबल है। चेकआउट करें, सिंपली आपको मोटा मोटी बता दें कि एमर्जिंग कंसल्टेंसी सर्विस अच्छी है, जेन्युइन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। खलास। दासर वर्सेस जेन्युइन कंसल्टेंसी रिक्वायर फॉर द रिप्यूटेड माइनिंग कंपनी है सऊदी अरब का, जो वीजा रेडी एमिटेड डिपार्चर हेवी मैकेनिक इलेक्ट्रीशियंस का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। ब्लैक स्मिथ का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल है, मेल आईडी के थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो मेल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नासिर की तरफ से और भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जैसे कि सऊदी अरब का ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और ऑटोमेशन टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन एंड रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियंस का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। कंप्लीट डिटेल्स है, अप्लाई करने का कुछ प्रोसेस है वो मेंशन किया गया, जरूर प्रोसेस ध्यान दें फिर अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमदान ग्लोबल की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, फॉर द लीडिंग कंपनी इन ओमान प्रोजेक्ट मैनेजर सर्वेयर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। चेकआउट करें, मेसन का भी रिक्वायरमेंट है, अगर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जरूर अप्लाई करें। मेसन का भी सैलरी 120 से 150 दिया गया, ठीक ठाक है। कंसल्टेंसी जेन्युइन है, भरोसेमंद है। अंबे इंटरनेशनल को पता है जेन्युइन कंसल्टेंसी, अंबे इंटरनेशनल का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। सऊदी अरब का लॉन्ग टर्म ओपनिंग फॉर द लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी का रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस चल रहा है अंबे ऑफिस में ही। व्हाइट कलर, ब्लू कलर सब जॉब है यहाँ पे, चेकआउट करें, अप्लाई करें, अप्लाई करने के लिए कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है। जे एम मेहता की बात करते हैं, जे एम मेहता एक सुलझी हुई ऑफिस है और बहुत ही लो चार्जेस है और जेन्युइन काम होता है इसका। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिप्यूटेड ऑयल एंड गैस कंपनी कतर, जीसीसी एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म है, फ्री रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, आई एंड ई रिलेबिलिटी टेक्नीशियंस, कंट्रोल सिस्टम टेक्नीशियंस, कंप्लीट डिटेल्स है, चेकआउट करें, अप्लाई करें, अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। मेहता अच्छी और बेहतरीन ऑफिस है। 3CC का रिक्वायरमेंट है, 3CC का जो रिक्वायरमेंट है भरा पड़ा हुआ है वेल्डरों के लिए, तो कतर में जो वेल्डर जाना जाता है उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर देख लें, 3CC का रिक्वायरमेंट है, कंसोलिडेट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी दोहा कतर, यहाँ पे देखें। और इसके लिए इंटरव्यू होने वाला, फाइनल इंटरव्यू होने वाला कहाँ का, विशाखापट्टनम बड़ौदा मुंबई, 15-16 का विशाखापट्टनम, 19-22 को, 19 से लेकर 22 तक बड़ौदा और 24 से लेकर 29 तक दिल्ली के अंदर होगा। वेल्डर जो भी है, जो सही वेल्डर, अच्छे वेल्डर है, जेन्युइन वो जाए, और जो थुक पॉलिश वाले वेल्डर है, जो भाग भरोसे जो चल रहा है जिनका रोजी रोटी, वो बिल्कुल ना जाए, नहीं तो जो उनका चल रहा है ना वही बंद हो जाएगा। तुर्की इंजीनियरिंग एक्सलेंस इन यूएई कंपनी, यूएई है तो तुर्की कंपनी है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, ऑनलाइन क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा है, सीट मेटल फैब्रिकेटर, एयरलेस स्प्रे पेंटर, स्कैफोल्ड, इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर, गोनेट मोस्कमैन एंड स्टील मेटल फिटर कम इंसुलेटर, मेसन पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, सोलर पैनल इलेक्ट्रीशियन एंड स्टील फिक्सर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, चेकआउट करें, अप्लाई करें, अप्लाई करने के लिए कंप्लीट डिटेल्स फुल मेल आईडी अवेलेबल है। कंसल्टेंसी जेन्युइन और भरोसेमंद है। ये रोलेक्स की बात करें तो रोलेक्स के बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, रोलेक्स जेन्युइन है या नहीं है ये आपको खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे है झारखंड में कहीं आसपास में है, कौन सा मैंगो मार्केट के कुछ आसपास है, तो आप चेकआउट करें, आज़ाद नगर मैंगो मार्केट, तो वहाँ चेकआउट करें, चेकआउट करें, आप खुद इन्फॉर्मेशन लें। वी आर हायरिंग पोजिशंस दिस एंड साउंड लाइन ग्रुप, जो कि अच्छी है, जेन्युइन कंसल्टेंसी है, यहाँ पे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, त्रिची में इंटरव्यू चल रहा है, चेकआउट करें, अप्लाई करें, कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है। वाल्व टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट अंबे इंटरनेशनल पे, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जरूर विजिट करें और अप्लाई करें फटाफट। मिलिंग ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि यहाँ पे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। अंबे इंटरनेशनल की बात करें तो और बहुत सारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अंबे ऑफिस का ये कंप्लीट डिटेल रिक्वायरमेंट है, कहीं इधर उधर का नहीं है, तो चेकआउट करें, अप्लाई करें, उम्मीद है अपने बेहतर जरूर अप्लाई करें। कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, जैसे एमजी वाले का रिक्वायरमेंट, एमजी वाला भी जेन्युइन कंसल्टेंट है, इसके थ्रू भी जो भी रिक्वायरमेंट भरोसा कर सकते हैं। बहुत सारा रिक्वायरमेंट एमजी वाले की तरफ से भी, कैंपस का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, बी हेल्ड शॉर्टली, बहुत जल्द होने वाला है, और बहुत सारे रिक्वायरमेंट से चेकआउट करें। सिंगल का कुछ पाइपिंग फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, स्कैफोल्डर, ये सब रिक्वायरमेंट है,
चेकआउट कर सकते हैं। और ये तमाम सऊदी अरब के रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट है आपके या दिल्ली का जो कंसल्टेंसी है एचआर कंसल्टेंसी, उसके तरफ से ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया चेकआउट एचआर इंटरनेशनल की तरफ से। तो जो भी दिल्ली के अंदर बंदे हैं तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इंटरव्यू दिल्ली, गोपालगंज, सिवान, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई के अंदर होने वाला है, तो चेकआउट करें, अप्लाई करें। और यहाँ पे देखें मेल नर्स का रिक्वायरमेंट 200 मेल नर्स का रिक्वायरमेंट, अगर मेल नर्स कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आराम से बेफिक्र होकर। यहाँ पे दमाम का केस है, दमाम का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया चेकआउट करें। शट डाउन ओमान का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। यहाँ पे मैकेनिकल टेक्नीशियंस, पाइप फिटर, पाइप फिटर, वेल्डर, ग्राइंडर, गैस कटर, रिगर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, चेकआउट करें, अप्लाई करें। कंप्लीट डिटेल्स है, तो ये था हमारा अब तक का कंप्लीट डिटेल्स, फुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल, और हाँ कमेंट्स भी पढ़ेंगे, कमेंट्स भी रीड करेंगे, और क्या आप कहना चाहते हैं वो भी बताया जाएगा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज तो पूछ सकते हैं फिर भी। चलिए मिलते हैं, तो टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स की बात करेंगे, बहुत सारा कमेंट्स है इस वीडियो पे, तो कमेंट की बात करेंगे, और विनर कौन है विनर के बारे में बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो का विनर कौन होगा। तो चलिए कमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे अशरफ रजा लिखते हैं आई एम फर्स्ट व्यूअर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये पढ़ा भी था ऑलरेडी मैसेज, फिर भी एक बार रीड कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें याद नहीं हमने कौन कौन सा मैसेज को पढ़ा था, तो इसलिए हम एक बार रीड कर ले रहे हैं इसको। और यहाँ लिखते हैं साहब, हमारे यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ है एस अंसारी, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सेकंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, हाँ यही है, ये है, हाँ वो ड्यूटी जाना है, अच्छा यहाँ से, अच्छा यहाँ से, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि हमें याद नहीं है कौन कौन सा हमने कमेंट पढ़ा था, तो फिर इसलिए पढ़ लेते हैं इसे। अंसारी साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, स्कैन फैसिलिटी मैनेजमेंट स्कॉल एलएलपी ओमान की कंपनी कैसे, ठीक ठाक है, उतनी तगड़ी कंपनी नहीं है, देखें हम पहले बताया था उतनी तगड़ी कंपनी नहीं है। अगर आप सोच रहे कि तगड़ी और ज़बरदस्त कंपनी, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कंपनी है, ठीक है। आफ्ताब खान साहब लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट करने के लिए, उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। नूर साहब लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जनाब, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे हैं, खैरियत से, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। मिथलेश अल्फाज प्लानर पर लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, उम्मीद करते हैं आप अच्छे हों, आपका दिन अच्छा गुजरे, दुआ है ये। आफ्ताब खान साहब लिखते हैं आई एम विनर, तो जो भी विनर आफ्ताब साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप विनर है प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें, जो भी विनर हो रहा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। दिलसाद खान साहब लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद फहीमुद्दीन लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, और लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। आलम फिरोज साहब यहाँ पर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, दलबा कंपनी सऊदी में कैसी, कंपनी दलबा उतनी तगड़ी नहीं है जैसे कि हमें जहाँ तक पता है, हो सकता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन थोड़ा कमज़ोर भी हो, ये हो सकता है, बट हम कोशिश करते हैं और ये बट अपने सोर्सेज के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हमीद पठान लिखते हैं भाई जान जल्दी करो, मैं मुंबई जाने वाला, पर अच्छा ये मैसेज हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या मुंबई जाने वाला, मतलब समझ में नहीं आया, आपने जैसे कि लिखा है भाईजान जल्दी करो मुंबई जाने वाला हूँ, पर आपका वीडियो देखकर रुक गया कि आप वीडियो देखकर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो हमने पूरा बनाया हुआ है, 50 कॉन्सल्टेंसी का वीडियो पूरा हम आपको बताते हैं, ठीक है। फहीम पठान साहब थोड़ा रुके, हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कहाँ पर हैं, ठीक है, ये आपको डिटेल हम बताते हैं। आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं देख रहे इसलिए आपको पता नहीं, ये शॉर्ट्स में हमने डाला हुआ था, तो ये आपने शॉर्ट्स पर कमेंट किया है। आपने फिर लिखा है आपने सही कहा कि आपके इन्फॉर्मेशन देना, मालूम जानना कैंडिडेट का काम है, बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारा कोशिश है। और हमीद पठान साहब से आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप लॉन्ग वीडियो भी देखा करें, ठीक है, आप शॉर्ट वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, ओके। यहाँ पे कुछ और कमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कमेंट्स ये है कि आयुष लिखते हैं यहाँ पर कि 2 साल वीज़ा लग ही करो साथ दुबई को सीख महीना माँ, तो आपने नेपाली में लिखा, ठीक है। आप मैम का ये जो वीडियो है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मेल आईडी है, मेल आईडी पे यहाँ पे सिंपली आप कमेंट करके जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। एमएस शेख लिखते हैं यहाँ पे हम कहाँ से हो, अच्छा हम कहाँ, अच्छा तुम कहाँ से हो, मतलब हम कहाँ से ये लिख रहे हैं,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जानना चाहते हैं, अच्छी बात है, जानना चाहिए। और यहाँ पे इरफान साहब लिखते हैं, ब्रो शॉपिंग मॉल का वीज़ा बताओ। वीज़ा वीज़ा प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, और इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारा दिया हुआ है शॉपिंग मॉल का भी। ज्वेल शेख साहब लिखते हैं #भोजपुरीवर्सवान, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब लिखते हैं भोजपुरीवर्सवान, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका इन्फॉर्मेशन सही डायरेक्शन में चलता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद यही है कि सब सही जाए और सही चीज़ बताया जाए लोगों को। एस अंसारी साहब लिखते हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बताएं नहीं सकान सकान कंपनी के बारे में बताया ना हमने, पहले ही बताया था, फिर भी बताया था आपको कि ठीक ठाक है, उतनी तगड़ी नहीं पर ठीक ठाक है। अंसारी साहब लगते भोजपुरी वर्ड सिवान, ओके भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने अपना वक्त निकाल के मैसेज किया हमें। दिलसाद खान साहब लिखते हैं #भोजपुरी वर्ड सिवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिथिलेश साहब लिखते हैं #भोजपुरी वर्ड सिवान, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश साहब आपका। और यहाँ पे आते हैं कुछ अपडेटेड कमेंट्स हैं। मुन्ना शेख लिखते हैं यहाँ पे, विनर का क्रेडिट मुझे, अच्छा आपको मिल गया विनर का क्रेडिट, बहुत अच्छी। देखिए तो जो भी विनर होता है उनको उनका जो भी विनिंग अमाउंट्स है, विनिंग प्राइज मिल जाता है। देखिए यहाँ पे भाई साहब ने लिखा हुआ है, तो इससे क्या थोड़ा आपको पता लगेगा कि ये जो चीज़ें सही चल रहा है, जेन्युइन है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अवित शर्मा लिखते हैं, मैडम इंडिया में अकाउंट का काम करता हूँ 17 साल से किया, दुबई में काम मिलेगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ मैडम का मेल आई डी अवेलेबल है, ऑफिस का नाम अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का वीडियो का चेक करें और मेल करें उन्हें। नूर साहब लिखते हैं, सलाम अलैकुम भाईजान भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हैश इसमें गैप डाला हुआ था, गैप नहीं विदाउट स्पेस के आपको टाइप करना है, ठीक है। नूर साहब लिखते हैं, क्या करें भाई, बहुत परेशान है सब भाई, हम सब भाई से कहेंगे एक दूसरे के लिए आप दुआ करें, जिसकी भी जो भी परेशानी है, परेशानी निकल जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए। अब हम भी दुआ करते हैं सभी भाइयों के लिए जो भी भाई है। तो यहाँ पर भाई साहब लिखते हैं, क्या नाम है इनका, ये इनका नाम है अवित शर्मा, हाँ अच्छा अवित शर्मा लिखते हैं, भोजपुरी सिवान आपके साथ कांटेक्ट कैसे होगा। कांटेक्ट होने करने के लिए आप सिंपल मेल आईडी, कांटेक्ट डिटेल्स के थ्रू बात नहीं हो पाएगा, मैम का मेल आईडी अवेलेबल ऑफिस का पूरा डिटेल्स है, मेल पे मेल करें, चेक करें, बाकी का जो भी इंक्वायरी है वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा पूरा कमेंट्स, और बात करते हैं विनर के बारे में। तो बहुत सारे वीडियो मैंने डाला हुआ था, जो कि कल का जो वीडियो था, यानी कि आज तो वीडियो कल का मतलब 13 का वीडियो था, बीच में हमने नहीं डाला वीडियो, तो 13 का जो वीडियो है इसका विनर कौन है वो सिलेक्ट कर देंगे। चलो कैसे विनर सिलेक्ट करें और कौन विनर है चेक करते हैं। इसमें 24 कमेंट्स है, देखें यहाँ पर ध्यान दें, 24 कमेंट्स है, 19 लाइक्स है। 19 लाइक्स में क्या होता है ना कि ये तो 24 से ऐसे बंदे कट गए, 19 बंदे का ही इसमें सिलेक्शन होगा, और उसके अंदर जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है और टाइप किया सही #भोजपुरीवर्सवान उनका कमेंट सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर शेयर वीडियो पर क्लिक करते हैं और चलते हैं, कॉपी करते हैं वीडियो का लिंक और चलते हैं गूगल में। यहाँ पे गूगल में आ गया कमेंट पिकर, यूट्यूब कमेंट पिकर डाउनलोड, यहाँ पे ओपन करता है वेबसाइट इसका है, जो कि जेन्युइन ये है, विनर सिलेक्ट करने का रैंडम कमेंट पिकर है ये। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, तो सिंपली यहाँ पे टाइप करना होता है अपना जो यूट्यूब वीडियो का लिंक पेस्ट करें, और यहाँ पे हैशटैग, और यहाँ पे वर्ड कीवर्ड क्या है वो भी टाइप करते हैं। तो यहाँ से कीवर्ड आपको बताता है क्या है, हैशटैग आपको टाइप करना है, तो डॉलर हो गया, हैशटैग टाइप करना, हैशटैग बिना इसके भोजपुरी BHOJPURIWORLDSIWAN इस तरह से आपको टाइप करना है। अगर आपने ऐसा टाइप किया हुआ तो आपको कमेंट सिलेक्ट होगा। और एक चीज़ ध्यान से देखें, कम से कम एक विनर ही इसमें सिलेक्ट होने वाला है, ओके ठीक है, और वो रैंडम होगा, कोई भी जान पहचान ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अंदर क्या 3 मिनट तक आपको ड्यूरेशन जो है वो वीडियो कम से कम 3 मिनट तक वॉच करना पड़ेगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये वेबसाइट बोल रहा है, ये मतलब विनर सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो एक्चुअल में यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कुछ उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 11 और यहाँ पे गेट यूट्यूब कमेंट में क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कितने बंदे हैं। देखिए 4, सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे हैं जो कि यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, 4 बंदे हैं जो कि यहाँ पे सिलेक्ट किए गए। और कितने थे वहाँ पे 25 कमेंट था। तो यही प्रॉब्लम है कि भाई जो लाइक नहीं करता वीडियो को, 3 मिनट तक नहीं देखता, तो आगे चांसेस नहीं है आपका विनर बनने का। तो इसके लिए आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए फिर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं विनर कौन है पिछले वीडियो का। दिलसाद खान, दिलसाद खान ये विनर है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, दिलसाद खान का नाम है, दिलसाद खान विनर है। तो दिलसाद खान आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सिंपली कमेंट करें यूट्यूब पे कि आप विनर हैं, और कमेंट करने के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपको व्हाट्सएप पे कैसे कांटेक्ट करना है।
और उसके बाद आपको कैसे क्या आगे का प्रोसेस हो आपको बताएंगे। तो चलिए ये था कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप भी विनर होना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। इसी तरह से हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, देखें इन्होंने टाइप किया हुआ हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको इन्होंने ऐसे टाइप किया, तो ऐसे आपको भी टाइप करना हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान। तो दिलशाद साहब आप विनर हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लें, जो भी आपका विनिंग प्राइज है आप तक जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल, एजेंट से दूर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।